क्या बेटा कभी आपने ऐसा सोचा है कि गांधी जी के तीन बंदर की जो कहानी है वो हमारी जेई 2025 की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, आज मैं उस कहानी की बात करने आपके सामने नहीं आया हूं जो कि आपने बचपन में पढ़ी है, आपको स्कूल में पढ़ाई जाती थी, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको समझाई होगी कि बेटा जिंदगी में तीन बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना, एक तो बुरा मत बोलना, बुरा मत सुनना और बुरा मत देखना। पर इसी कहानी से इंस्पिरेशन लेते हुए आज मैं इसी कहानी का 2.0 वर्जन आपके सामने लेकर आया हूं जो कि आपकी जेई 2025 की प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं, एक अलग मुकाम दे सकते हैं। इतने सालों के पढ़ाने के अनुभव से, इतने सारे बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद एक कॉमन क्रक्स मैंने क्या निकाला है, कॉमन आउटकम मैंने क्या निकाला है कि लास्ट समय पर जब मेंस का पेपर करीब आता है तो बच्चा सबसे बड़ी तीन गलतियां करता है जिस कारण से उसकी प्रिपरेशन ट्रैक पे होते हुए भी उसकी गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है। तो अगर आप भी इन तीनों में से किसी के शिकार हैं तो बेटा ये वीडियो आप ही के लिए है, और हो सकता है किसी भी गलती से आप रिलेट कर पाए। सो मेक श्योर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि कौन सी बिगेस्ट ब्लंडर इस समय पर आप अपने साथ कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने देख ही लिया है, आज के सेशन में मैं वो तीन बिगेस्ट मिस्टेक्स या थ्री बिगेस्ट ब्लंडर्स की बात करने वाला हूं जो कि आपकी जेई 2025 की प्रिपरेशन को बेटा खराब कर सकते हैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। पहला डिस्ट्रैक्शन होता है बेटा अफेक्शन टुवर्ड्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। कि अफेक्शन टुवर्ड्स फेवरेट सब्जेक्ट से क्या खामियाज आपको उठाना पड़ेगा। मेरी बात से वो बच्चे 100% रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने पिछले साल भी मेंस का एग्जाम दिया होगा या एडवांस का एग्जाम दिया होगा और जो इस साल वापस से मेंस के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। उनके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट क्या आता था कि जब भी हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हमारे सामने तीन टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन हमसे पूछे जाने हैं, हमारा हमेशा अफेक्शन एक सब्जेक्ट पर ज्यादा होता है, एक सब्जेक्ट पर बहुत कम होता है। और जैसे ही आपके दिमाग में बेटा सेग्रीगेशन आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये चैप्टर मेरे लिए फेवरेट है, ये चैप्टर मुझे बोरिंग लगता है, तो समझ जाइएगा कि आपकी गाड़ी ट्रैक से उतर रही है, कहीं ना कहीं आप दलदल में फंस जाएंगे जिससे बाहर आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को ओवरकम करने के लिए सबसे बड़ा प्रोटिप इस समय आपके लिए क्या रहेगा कि आप एक A4 शीट लेकर बैठिए। उस A4 शीट में आपको चैप्टर्स को सेग्रीगेट करना है स्ट्रांग, मॉडरेट और वीक की कैटेगरी में। स्ट्रांग चैप्टर मेंशन कीजिए, मॉडरेट चैप्टर मेंशन कीजिए और वीक चैप्टर मेंशन कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आने वाले 4 महीनों में मुझे मॉडरेट टॉपिक को स्ट्रांग की कैटेगरी में लाना है और वीक चैप्टर्स को मॉडरेट की कैटेगरी में लाना है। क्योंकि अगर आपने अभी समय पर सेग्रीगेशन नहीं किया तो आपको आगे चल के दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सो मेक श्योर बेटा एक चैप्टर पर ज्यादा समय देने की बजाय, ज्यादा समय डिवोट करने की बजाय वीक चैप्टर को इस समय पर अपलिफ्ट करने का टाइम है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे मेंस का पेपर पास आएगा आपके पास समय नहीं बचेगा। ये गलती आप भी करते होंगे, टाइम टेबल तो बनाते होंगे, हर चैप्टर को टाइम भी देते होंगे, स्ट्रॉन्ग चैप्टर को मन लगाकर पढ़ते होंगे, और जब वीक चैप्टर की बारी आती होगी तो वीक चैप्टर का टाइम मन में ऐसा आता होगा कि इस समय को भी मैं स्ट्रॉन्ग चैप्टर में दे देता हूं। तो बेटा वो गलती समय पर आपको नहीं करनी है, अभी भी समय है, गलती को सुधारने का मौका है। सो मेक श्योर वीक चैप्टर को मॉडरेट में लाइए और मॉडरेट चैप्टर को स्ट्रॉन्ग चैप्टर की कैटेगरी में लाइए। क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कोई भी एक पूरा चैप्टर हमारा बोरिंग नहीं होता है, उसके कुछ टॉपिक्स में हमें समस्याएं हो सकती हैं। तो पूरा चैप्टर छोड़ के जाने की बजाय आप उसमें से अगर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स भी करके जाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल आपको होने वाला है, आपकी जेई 2025 की प्रिपरेशन को वो बूस्ट करेगा। अब आते हैं अगले ऐसे फैक्टर पर जो कि आपकी प्रिपरेशन में एक रोड़े का काम कर सकता है, ब्लॉक का काम कर सकता है, बैरियर का काम कर सकता है, और वो होता है बेटा इस समय पर ओवरथिंकिंग और सोशल मीडिया का इस्तेमाल। हमारे समय पर खैर सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, ट्रेंडिंग में नहीं था, बट आजकल तो चाहे यूट्यूब के शॉर्ट्स हो, चाहे इंस्टाग्राम की रील्स हो, और रही सही कसर कौन पूरी कर देता है बेटा, स्नैपचैट भी आ जाता है। तो कोशिश इस समय पर क्या करें, आप इन चीजों से दूर रहें। अक्सर बच्चे मुझसे एक ही बात कहते हैं कि सर एक शॉर्ट देखने बैठता हूं पर मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरे 2 घंटे इसके अंदर चले गए। जैसे ही सर शॉर्ट से बाहर आता हूं तुरंत मैं चला जाता हूं सर रील के ऊपर। बेटा इन चीजों से क्या ही होगा, एक बार जैसे ही आप IIT NIT के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, ड्रीम कॉलेज अचीव कर लेंगे, तो यह समय आपको वापस से दोबारा मिल जाएगा। पर अगर इस समय पर आपने समय खराब कर दिया, क्योंकि प्रिपरेशन के समय पर अगर आपने सोशल मीडिया का यूज किया तो बेटा वो आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर कर सकता है।
अब अगला सवाल सभी के दिमाग में ये होगा कि सर चलो आपने डिस्ट्रैक्शन तो बताया, आपने बिगेस्ट ब्लंडर भी बताया, अब ये भी बताओ इसको अवॉइड करने का, इसको रोकने का क्या तरीका है। तो मैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट प्रो टिप देना चाहता हूं जो कि आपको इस समय पर सोशल मीडिया से दूर कर सकता है। सबसे पहली प्रो टिप बेटा क्या होगी कि उन एप्स पर पेरेंटल लॉक लगवा लीजिए जो कि आप फ्रीक्वेंट तौर पर यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है या फिर स्नैपचैट है या आजकल तो गेमिंग का कल्चर भी बहुत ज्यादा है। तो उन एप्स पर बेटा पेरेंटल लॉक लगवा लें, अपने पेरेंट से बात करें और उनको बोले कि इस वाले ऐप पर मेरा पेरेंटल लॉक लगा दो। अगर पेरेंटल लॉक समाधान नहीं हो सकता तो दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा कि कोशिश कीजिए, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हैं, अगर आप मोशन ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं तो कोशिश कीजिए बेटा लेक्चर्स को या तो टैबलेट पर देखिए या लैपटॉप पर देखिए या फिर अपने पीसी पर देखिए, कोशिश कीजिए मोबाइल पर देखना ना पड़े, क्योंकि मोबाइल फोन्स क्या हैंडी होते हैं, तुरंत बेड पर फेंका, तुरंत उठाया, स्क्रॉल करना चालू कर दिया। क्योंकि जब अगर आप लेक्चर उसको देखने जाएंगे अपने पीसी पर, अपने लैपटॉप पर, तो आपको बाकी चीजें चेक करने का मौका नहीं मिलेगा, तो वहां से आप अपने सोशल मीडिया जो यूसेज है उसको कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेटा तीसरा बिगेस्ट ब्लंडर इस समय पर जो हो सकता है वो होता है कि थ्योरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में थ्योरी को ज्यादा एम्फसाइज करना और टेस्ट देना नहीं, देना तो एनालिसिस नहीं करना, यानी इम्प्रॉपर टेस्ट एंड लैक ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ये है बेटा सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लंडर इस समय पर, जिसमें मैक्सिमम बच्चे समय ट्रैप हैं। वो हमेशा एक ही काम करते हैं, जब भी उनको कहा जाता है कि इस चैप्टर को रिवाइज करना है, ये चैप्टर आपके टेस्ट में आएगा, तो वो क्या कोशिश करते हैं कि सिर्फ थ्योरी ही पढ़ लेते हैं, सवालों पर जाते नहीं है। बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका इस समय पर जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है, सब्जेक्टिव पैटर्न का नहीं है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब तक प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। उल्टा करने की आदत डालिए, सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि रिवीजन अगर किसी चैप्टर का करना है तो कुछ सवालों के थ्रू चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए, ना कि थ्योरी के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे सीक्वेंस में मिस्टेक है, हम लोग थ्योरी के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद आपको थ्योरी रिकॉल होनी चाहिए, थ्योरी आपको रिवाइज करनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती इस समय पर जो बच्चा और करता है, इसी में कंटिन्यूशन में अगर बात करें तो वो होता है बेटा वो टेस्ट को देता नहीं है, टेस्ट से दूर भागता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि बच्चा टेस्ट देने से इतना डरता क्यों है। बेटा पहली बात तो आपको ये समझना जरूरी है कि टेस्ट सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लगा पाएं कि कितनी मेहनत करने की जरूरत आपको और आगे है। मैं तो अक्सर बच्चों को क्लास में एक ही बात बोलता हूं कि अगर आप बहुत सारे टेस्ट को जेई मेंस मानकर दोगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर आप बहुत सारे टेस्ट को जेई मेंस जैसा सीरियस होकर देंगे तो एक्चुअल जेई मेंस भी आपको टेस्ट की तरह ही लगेगा। आई थिंक आप मेरी बात से रिलेट कर पाए होंगे कि अगर हम उतना ज्यादा सीरियस रहें अपने रेगुलर टेस्ट के ऊपर तो एक्चुअल जब अपना मेंस या एडवांस का एग्जाम होगा तो उसमें भी हमारे दिमाग में ही ख्याल आएगा कि चल यार आज तो एक और टेस्ट ही है, चल के देकर आता हूँ, इसमें मचा कर आता हूँ। तो कोशिश कीजिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, टाइम बाउंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इन तीन गलतियों में से किसी से भी बेटा कोरिलेट कर पाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा, हम लोग ऑलवेज आपकी हेल्प के लिए खड़े हुए हैं, सजेशंस देने के लिए हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया हो, अगर यहां तक रुके हो बेटा तो अटेंडेंस मार्क करके मत जाना, बिना जाए जाना ही नहीं है आपको। और इसके अलावा नीचे जरूर से सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि कौन सी वो बिगेस्ट ब्लंडर सी जिससे आप कोरिलेट कर पाए और मेरी ऐसी कौन सी बात है जो आपकी दिल को छू गई। तो चलिए बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला ब्लंडर जो इस समय पर बच्चा फेस करता है या अपनी प्रिपरेशन में हेल्प करता है, दोबारा से करें, इन जैसे सोशल मीडिया जो आपके, अरे यार अच्छा चल रहा था है ना, चलो बंद दोबारा करेंगे सब। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और आप जहां पर भी अभी हैं, जहीं को यकीन होगा कि गांधी जी की कहानी, अरे फ्यूचर में आप जेई 2025 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।
कोई बात नहीं, बजने दे। हैं? हेलो हेलो हेलो।